दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम इस SMPS को रिपेयर करने वाले हैं। ये जो है टीवी का एक एडेप्टर है जो कि 15 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। आप देख सकते हैं 4 एम्पियर 15 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो ऐसे देखने से ही कुछ कंपोनेंट्स जो है डैमेज दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पर जो है डैमेज हुआ है। उसके बाद में ये जो है लाइन फिल्टर हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं जल गया है। यहाँ पर एक जीनर है, ये भी यहाँ पे जो है जल गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ देखने से नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें ख़राब हो सकता है जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें जो है डैमेज दिख रहा है उसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं और फिर जो है हम मल्टीमीटर से टेस्ट करके जो है देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारा लाइन फिल्टर भी निकल चुका है। उसके बाद में जो है इस फ्यूज को भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि इधर जो है शॉर्टिंग हुआ है तो फ्यूज भी जला होगा। तो ये जो है मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड में है। यहाँ पे अगर हम फ्यूज टेस्ट करें तो यहाँ पे हमारा फ्यूज ठीक है। यहाँ पर ये जो है फ्यूज है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्यूज है। तो फ्यूज हमारा यहाँ पे ठीक बता रहा है। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई रीडिंग या जो है बीप नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ना ही कोई बीप, यहाँ पे ना ही कोई रीडिंग है। तो इधर का ये जो हमारा कंपोनेंट्स है ये हमारा ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है लाइन फिल्टर लगा हुआ था, तो यहाँ से इसका भाग इधर जो है अलग हो जाता है। तो इधर जो है हमारा अभी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद में इन दोनों पॉइंट पे अगर हम टेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अभी शॉर्टिंग है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी शॉर्टिंग है। यहाँ पर जो है हम अगर डायोड को टेस्ट करें तो शायद यहाँ पे डायोड हमें जो है शॉर्ट लग रहा है। चलिए इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पर चलिए हम डायोड टेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो है काफ़ी कम रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर 103 का रीडिंग है। अगर जो है पलट के चेक करें तो यहाँ पर भी जो है 103 का रीडिंग है। तो शायद ये डायोड जो है ख़राब है। इसको हम निकाल के टेस्ट करेंगे तभी जो है कंफर्म कर पाएंगे। उसके बाद में इसको अगर हम टेस्ट करें तो देखिए यहाँ पे जो है बीप कर रहा है, तो ये भी ख़राब लग रहा है। यहाँ पर अगर टेस्ट करें तो यहाँ पर भी जो है दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है। अगर यहाँ पे चेक करें तो ये जो है बीप कर रहा है। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, चारों डायोड को जो है बाहर निकाल के चेक करेंगे, तभी जो हम कंफर्म हो पाएंगे कि हमारा ये डायोड ठीक है या ख़राब है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं चायो डायोड को जो है हम एक एक लेग जो है बाहर निकाल लिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए सभी को जो है अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये डायोड अगर हम टेस्ट करें तो यहाँ पे एक तरफ से रीडिंग है और एक तरफ से अगर हम टेस्ट करें तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है। तो ये डायोड हमारा ठीक है, ये डायोड जो है हमारा शॉर्ट है, इसको चेक करें तो ये भी जो है हमारा शॉर्ट है। अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे एक तरफ से रीडिंग है और इसको पलट के चेक करें तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तीन डायोड जो है यहाँ पे शॉर्ट हमें जो है मिला है, दो डायोड तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया है और एक डायोड यहाँ पे ये जो है लीकेज है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे रीडिंग कुछ इस तरीका से आना चाहिए। एक तरफ से यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें तो इस डायोड का यहाँ पे रीडिंग दे रहा है और इसको पलट के चेक करें तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डायोड यहाँ पे ये सही है, ये दोनों डायोड शॉर्ट है और ये जो है हमारा लीकेज है, इसी के कारण यहाँ पर ये भी लीकेज बता रहा था, बट इसको निकाल के मैंने चेक किया तो ये हमारा ठीक है और यहाँ पे ये लीकेज है और ये दोनों हमारा शॉर्ट है। चलिए तो यहाँ पे हम इसको सर्किट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों डायोड जो है हम बाहर निकाल लिए हैं, जो कि यहाँ पर ये शॉर्ट है, यहाँ पर ये शॉर्ट है और ये जो हमारा लीकेज है, ओके। और ये जो हमारा डायोड है यहाँ पे सही है, तो इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे इतना चीज़ हमें जो है ख़राब निकला। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जीनर लगा हुआ है तो इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे इस तरीका से रीडिंग है, इधर से जो है कोई भी रीडिंग नहीं है, इधर से रीडिंग नहीं है, इधर से रीडिंग है, इधर से कोई भी रीडिंग नहीं है, इधर से रीडिंग है, इधर से कोई भी रीडिंग नहीं, इधर से रीडिंग है। तो ये हमारा डायोड ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर ये भी एक फ्यूज ही है। तो इसको अगर हम यहाँ पर टेस्ट करें तो यहाँ पर ये जो है ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे डैमेज हमें मिला है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है जीनर यहाँ पे शॉर्ट है तो इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इन सभी के जगह पे ये मैंने ला लिया है। अब यहाँ पे अगर हम ये लाइन फिल्टर कॉयल को अगर हम टेस्ट करें तो यहाँ पर क्या होता है, दो कॉयल होता है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है दो कॉयल है, एक यहाँ पर है और एक जो है यहाँ पर है। तो इसका जो है यहाँ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे रीडिंग मिलना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी मिलेगा, देखिए उसी तरीका से यहाँ पर भी जो है कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो ये जो है हमारा ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लगा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्क बना हुआ है, यहाँ पे एक कॉयल यहाँ पे लगेगा और एक कॉयल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीका से लगा लेंगे।
तो यहाँ पर ये जो है लग चुका है। अब चलिए यहाँ पे जो है कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो पहले जो हमारा कैपेसिटर ये फूला हुआ है, जो डैमेज निकला हुआ था, तो देखिए जो है 400 वोल्ट 33 मीएफ का है। और ये हमारा दूसरा जो लगा रहा है, ये हमारा 400 वोल्ट 22 मीएफ का, ठीक है। तो ये जो है सेम मुझे नहीं मिला है, तो ये जो है मैं इसको लगा रहा हूँ, तो ये भी जो है चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको लगाने से पहले यहाँ पे जो है माइनस प्लस को ध्यान में दिया जाता है। ये जो है हमारा माइनस पट्टी यहाँ पे बना हुआ है, तो बोर्ड में भी देख लेंगे। यहाँ पर ये जो यहाँ पे देख रहा है ब्लैक वाला भाग, तो ये हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो इसी को इस तरीके से देख के लगाना होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कैपेसिटर भी लग गया है। अब चलिए यहाँ पे जो है हम डायोड को लगा लेते हैं। तो डायोड में भी आपको देख के लगाना है, ये जो आपका सिल्वर पट्टी होता है, जो हमारा कैथोड होता है, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पे मार्क बना हुआ है। तो ये जो हमारा ब्लैक मार्क जो बना हुआ है, ये हमारा सिल्वर पट्टी उधर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी सामान मैंने निकाला था डैमेज, यहाँ पे सभी चीज़ें जो है डाल दिया है। अब यहाँ पे ये एक जीनर को लगाना है। यहाँ पे जो जीनर था, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने जीनर निकाला हुआ था, वो जीनर टूट गया है। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके का ये जो है जीनर है, तो ये जो है शॉर्ट हो गया और यहाँ से टूट चुका था। तो उसका नंबर तो ऐसे दिखा नहीं कितना वोल्ट का था, बट यहाँ पे जो है ये VCC में लगा हुआ है, SPWM IC को जो है चलाने के लिए। यहाँ पे जो VCC में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर में जो है लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से लगा हुआ था। यहाँ पे ये जो है डायोड है, और ये जो है ट्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के पॉइंट से ये जो है आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है VCC का जीनर है। तो VCC में हमारा 18 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक जीनर होता है। तो ये जो है हमारा 18 वोल्ट का एक जो है जीनर है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में लगा था, उसी डायरेक्शन में हमें जो इसको लगाना होगा। चलिए शोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब एक बार इसको जो है हम इस पोर्ट को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स मैंने लगाया है,
तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पेस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है पेट्रोल है, तो पेट्रोल से जो है हम इसको क्लीन कर ले रहे हैं। आपका पीसीबी क्लीनर भी आता है, तो आप उसको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में मिलता है। बहुत से लोग थिनर से भी सफ़ा करते हैं, बट मैं जो है पेट्रोल को यूज़ करता हूँ। चलिए, तो ये जो हमारा है सीरीज लाइन है, तो यहाँ पे जो है मैंने सीरीज लाइन दे दिया। ओके, चलिए यहाँ पे अब लाइन देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइन दिया, यहाँ पे देखिए ये जो है इंडिकेटर इसका जो है ऑन हो गया है, यानी जो हमारा SMPS है लग रहा है कि अब चालू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा LED जल चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊँ, तो मल्टीमीटर को रखेंगे 20 वोल्ट के रेंज में, और चलिए इसे हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर पे अगर हम टेस्ट करें तो देखिए कितना दिखाता है, देखिए 15.12 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट का जो आउटपुट मिलना चाहिए, यहाँ पे ये जो है आउटपुट हमें मिल चुका है। तो इस तरीका से ये जो हमारा SMPS रिपेयर हो गया, अब इसको जो हम यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए मैं बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।